सो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में प्रिज्म ग्लोबल शेयर के बारे में बात करेंगे। जो शेयर का प्राइस है यहाँ पे 2.12 रुपये है और इस शेयर में आज हमें जो है 1.40% तक के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। आगे हम इस शेयर के प्रीवियस रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 मंथ में जो शेयर है उसने हमें यहाँ पे 42.28% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। साथ ही अगर हम मैक्स में ऑल टाइम की यहाँ पर बात करते हैं तो ऑल टाइम में जो शेयर है उसमें हमें 94.77% तक के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। साथ ही अगर हम इस शेयर के थोड़े बहुत यहाँ पे प्रीवियस रिटर्न्स को भी देख लेते हैं तो यहाँ पे 5 ईयर में जो शेयर है उसमें हमें रिटर्न्स कुछ भी देखने को नहीं मिले हैं और 3 ईयर में जो शेयर है उसने हमें यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और 2 ईयर से लेकर यहाँ पे 3 मंथ में जो शेयर है उसमें हमें यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। यानी कि इस शेयर में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिटर्न्स दोनों ही देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम में देखने को मिले हैं। आगे हम इस शेयर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो शेयर है वो यहाँ अपने रेजिस्टेंस लेवल से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है। वैसे तो ये शेयर है, अगर आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप इस शेयर को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से इस शेयर में हमें यहाँ पे रिटर्न्स भी देखने को मिले हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के प्रस्पेक्टिव से इस शेयर में यहाँ पे जो है रिस्क भी बहुत है। तो अगर आपके पास ये शेयर है और आप इस शेयर को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप इस शेयर को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं।